जीजी पागल मत बन, पुलिस वाली गायब हुई है। तने के लगता है कि अभी तक सारा विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा। जो मर्डर तुम्हारी चिंगारी गैंग ने किया है ना, उसका सबूत ब्रिजेश हमें देने वाला था, जो सिर्फ तुम्हें पता था कि हम और मैडम सर उस फैक्ट्री में जा रहे थे। लेकिन हसीना मलिक के गायब होने के टाइम पे तो वो तीनों हमारे साथ थी। इतना हल्के में मत लो, मैडम सर है वो, हसीना मलिक है वो। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ करना होगा। मानने की कोई जरूरत नहीं है। आज एक ऑडिशन में तुम नाकाम हो गए तो क्या हुआ? अभिनय सीखने के लिए अच्छा गुरु होना बहुत जरूरी है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें अभिनय की बकरियां बारीकियां वो ऐसे आ रहे थे, बारीकियां सिखाएंगे, फिर देखना। छोड़िए ना पुष्पा जी, आप भी कहा मतलब अच्छा गुरु कह के आप सिखा रही हैं, बताइए। अरे पहले से दर्द में है भाई, और कितना दर्द दीजिएगा इसको। अरे हाँ, दर्द से याद आया जीते, तुम्हारा दर्द कैसा है? कौन सा दर्द? गाड़ी में दर्द हुआ था ना तुम्हें, तुम उतर के डॉक्टर के पास चले गए थे, हम काली पहाड़ी जा रहे थे तब। हाँ हाँ, अभी थोड़ा आराम, डॉक्टर के पास गए, बोले कि भाई बहुत जोर का कमर दर्द है, हमको तो एकदम हमारा जान हलक में आ गया था, दवाई वही दिया, अभी एकदम ठीक है एकदम। कमर दर्द तो तुम्हारे पेट में था ना? मतलब पेट में ही दर्द था, उसके बाद से पेट से होते होते पीठ में गया, उसके बाद से कमर में। एक मिनट चीते, झूठ बोला ना तुमने हमसे, बहाना बनाया ना ड्यूटी से बचने के लिए। जीते क्या हो गया है तुम्हें? उस मारपीट के एक हादसे ने तुम्हें इतना बदल कर रख दिया। तुम्हारा तुम्हारे ड्यूटी के लिए, तुम्हारे वर्दी के लिए समर्पण, प्रेम, आदर, सम्मान सब छीन लिया तुमसे। जीते रोजाना हजारों पुलिस कर्मियों के साथ ऐसे हादसे होते हैं, तो क्या सब अपनी वर्दी का सम्मान भूल जाए, अपना फर्ज भूल जाए, अपनी वो कसम भी भूल जाए जो इस वर्दी को पहनते हुए हम सब लेते हैं, कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपना फर्ज नहीं भूलेंगे, हमारी ड्यूटी करेंगे, मरते दम तक निभाएंगे उसे। ऐसे मत कर, अपने व्यक्तिगत अपमान का बदला अपनी वर्दी से मत ले। मैडम सर आई है क्या? जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम सर। कहाँ? नहीं वो तो नहीं आई। क्यों? ब्रिजेश नाम के आदमी को हम पकड़ने गए थे गोमती नगर फैक्ट्री में, जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ इन्फॉर्मेशन थी, और जैसे ही वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे किसी ने हमला कर दिया गैस का, हम बेहोश हो गए। और जैसे ही हम होश में आए तो मैडम सर वहाँ थी नहीं, सिर्फ उनका फोन मिला हमको, गायब हो गई है वो। मैडम सर गायब थी, मगर इस ब्रिजेश से सबूत लाने तो हम गए थे, मैडम सर ने हमें भेजा था, हम तीनों को। कहाँ? हाँ पूछो इनसे, ये भी साथ में थे हमारे। ये सब कहाँ चल रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी ब्रिजेश नाम का आदमी नहीं था, वहाँ पे अंडरकवर पुलिस वाला था जो मैडम सर के कहने पे ये सब कर रहा था। ये क्या चल रहा है, ऐसे काहे करेंगे मैडम सर? हमारा ब्रिजेश, मैडम सर का ब्रिजेश, इन दोनों के बीच में क्या ब्रिज है? आप सब लोग हमको ऐसे कहां देख रहे हैं? हमको क्या पता मैडम सर ऐसा क्यों की? डीएसपी सर को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, पूरा डिपार्टमेंट मैडम सर को ढूंढ रहा है, पूरा डिपार्टमेंट। मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही, मैडम सर को कोई क्यों किडनैप करेगा? आप हमारे साथ चल रही हैं गोमती नगर के उस गोविंद फैक्ट्री में, वहाँ पर हमें ब्रिजेश नाम का एक आदमी मिलेगा जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ पुख्ता सबूत है। हम जानते हैं कौन है इसके पीछे। कौन? अरे कहाँ जा रही है आप, हमें तो बता, कौन हो सकता है? Thank you.
और मेरे वजीर, क्या खबर लाई है? 10 मिनट है तुम्हारे पास। इस 10 मिनट में तुम दो काम कर सकती हो। पहला, अपने सारे इष्ट देवता का स्मरण कर लो और अपनी आत्मा की मोक्ष की प्रार्थना कर लो। और दूसरा, हमको ये बताकर कि मैडम सर कहाँ हैं, तुम अपने अगले जन्म के लिए ऊपर वाला का शुक्रिया अदा कर सकती हो। अब बोलो तुम्हें क्या करना है। देख, दोस्ती का हाथ बढ़ा है ना, इसे तेरी बात सुन ली मैंने। दोस्ती में 100 खून माफ, नहीं तो अब तक शिवानी के साथ इस टोन में किसी ने बात की होती ना तो उसको 2 गज जमीन के नीचे 100 टुकड़े करके गाड़ दिया होता। दोस्ती का हाथ बढ़ा है मैंने, डिसरिस्पेक्ट करने का लाइसेंस नहीं दिया है। सीधे सीधे बता क्या हुआ। ज्यादा अनजान बनने का जरूरत नहीं है शिवानी, तुमको अच्छे से पता हम क्या बात कर रहे हैं। हम गोमती नगर फैक्ट्री जा रहे थे ब्रिजेश से मिलने, जिसके पास चिंगारी गैंग के खिलाफ सबूत था। ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता था। ना तो तुमने सबूत को गायब किया, तुमने मैडम सर को भी गायब कर दिया। बहुत अच्छा फायदा उठाया ना तुमने इस बात का। अब सच बता रहे हैं कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर मैडम सर सही सलामत थाना में नहीं पहुंचेंगी ना, तो मैया कसम बता रहे हैं कि तुम्हारे रंगरेज गली को जला के राख ना कर दिया ना, तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं। क्या क्या हुआ शिवानी, सब ठीक तो है ना बेटा? भाई वो हसीना मलिक को किसी ने उठा लिया है और करिश्मा सिंह को लगता है कि ये हमारा काम है। अरे अब तू कहाँ जा रही है? ताई उसको ढूंढने, खतरे में है वो। अरे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी चाल है। अरे जीजी पागल मत बन, पुलिस वाली गायब हुई है। तने के लगता है कि अभी तक सारा विभाग हाथ पे हाथ धरे बैठा होगा। अरे अभी तक तो उन्होंने सारे शहर की जमीन खोद मारी होगी हसीना मलिक को ढूंढने के लिए। तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे ढूंढ लेंगे वो लोग। अगर हसीना मलिक ने भी यही सोचा होता ना, तो आज तेरी जीजी तेरे सामने जिंदा नहीं खड़ी होती बिन्नी। ये जिंदगी उसकी कर्जदार है। उसने तो जमीन आसमान एक कर दी थी बिन्नी मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। और आज जब उसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे हट जाऊं? और वैसे भी हसीना मलिक जैसी पुलिस ऑफिसर को इस समाज की बहुत जरूरत है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ तो ठीक है, हम भी चलते तेरे साथ। नहीं ताई, अरे वो करिश्मा सिंह के सिर पर खून सवार है फिलहाल। वो निकली है यहाँ के लिए हसीना मलिक को ढूंढने। यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए तू यहीं पर रुक और यहाँ की चीजें कंट्रोल में रख। मैं आती हूँ। अब जीजी, या अल्लाह हसीना की हिफाजत कर। ये रास्ता जरूर सेंट्रल सिस्टम से जुड़ता होगा। हर जगह इस तरह के वेंट बने होते हैं, हमें इसे खोलना होगा।
कर रही है? क्या करिए तू? तुम्हारे वक्त के साथ ने हमारे संयम ने भी जवाब दे दिया है। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना चिथरा देंगे, यही बता रहे हैं तुमको। छोड़ मेरे को करिश्मा सिंह। क्या आवाजें आ रही बारिश? क्या हुआ है ताई? वो शिवानी ताई को अपने साथ जबरदस्ती ले गई। कौन? कौन ले गया जीजी को? वो करिश्मा सिंह। क्या? ये तुम लोग वहाँ पे छक मार रहे थे, ऐसे कैसे लेके गई वो जीजी को? क्या करते, सब पलक झपकते ही हो गया। और उसने ताई के सर पे बंदूक भी तो लगा रखी थी, हम क्या करते, ताई की जिंदगी खतरे में कैसे डाल सकते थे? मगज अभी भी तो वो खतरे में हुई ना। मैं ना छोड़ूंगी उस करिश्मा सिंह को, चीर के दो ना कर दिया ना उसे तो मरा नाम भी बिंदी नहीं। हथियार निकालो सारे अपने। रुकिए बिंदी, करिश्मा सिंह ने शिवानी को नहीं उठाया है, पूरी चिंगारी गैंग के खिलाफ खुली जंग का ऐलान किया है उसने। अब समय आ गया है बिंदी पुलिस वालों को चिंगारी गैंग की ताकत दिखाने का। खबर फैला दो पूरे शहर में, चिंगारी गैंग से जुड़ा हर शख्स जिसके पास जो हथियार है देके बस महिला थाने पहुंच जाए, जला के राख कर देंगे आज उस थाने को। चिंगारी उन्होंने लगाई है, धमाका हम उन्हें सुनाएंगे। बैठिए बैठिए, यहाँ पर बैठिए। आप ही कह रही थी ना आपको कमजोरी हो गया है, आपको चक्कर आ रहा है, ढेढ़ा खा के गिर जाइएगा, आपका बीपी नाप देते। बैठिए बैठिए बैठिए, हो गया बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। चीता भाई ये क्या हो रहा है? अरे हाँ हाँ, उम्र भी तो हो ही गई इनकी। अब चुप करो ना, एक तो हमारी बहू फोन भी नहीं उठा रही है। तो कब उठाती है आपका फोन? ऐसे कब तक झेलेंगी, घर से निकाल क्यों नहीं देती आप उनको? अब चुप करो ना, पता नहीं कहाँ चली गई। 270 जान लेकर मानेगी ये लड़की? 340 अब फोन उठाइए ना। 400 बस रे चुन्ना भाई MBBS बस ना, 400 किसका बीपी होता है 400 बोल रहा है तुम? चीता मैं उधर देख के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन पे ये देख। मैं सामने वाले को रेट बता रहा हूँ, रेट क्या बिकता है तुम्हारे दुकान का जो रेट बता रहे हो तुम उसको? जहरीली चाय। हाँ तो ऐसे चो नाच दिया। तो गुंडो क्या कहें, मैं ओनली वन सिंगल आता माजी सटकली। ये चिता भाई इसका कुछ करते क्यों नहीं? हाँ। क्यों नहीं इसको जंगल में छोड़ाते चाहे सर्कस में? झूठ बर्दाश्त नहीं है मुझे, मैडम सर हमारे लिए भगवान है, उनके लिए मैं इसकी जान भी दे सकता हूँ और इसकी जान ले भी सकता हूँ, बस वो कभी ना मेरे सामने आ जाए जिसने मैडम सर को अगवा किया है, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। वो आ भी गया तो तुम कर क्या लोगे? हाँ झिंझोड़ के रख दूंगा उसको। बाजे चीटिंग कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, फिर मैं गैंग का सिंगल घुस गया, चीटिंग कर रहा है। ओ गुंडो क्या गैंग्स, मैं ओनली वन सिंगल। रुक करो सब लोग, एक तो फोन नहीं लग रहा, ऊपर से तुम लोगों की बकैती चल रही है। करिश्मा सिंह छोड़ दे मुझे, तू नहीं जानती कि तू क्या करी है, मैंने नहीं हसीना मलिक को गायब किया है, तू नहीं जानती तू कितनी बड़ी मुसीबत को न्योता दे रही है, छोड़ मुझे।
एक मिनट क्या है ये? हाँ, किसे उठा कर लेकर आई? आप पता है ये शिवानी है, शिवानी ताई, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। हाँ, अरे इसके समर्थक ना हमारे थाने को जलाकर राख कर देंगे। और मैडम सर का क्या है, कुछ पता चला? इसी ने ही गायब किया मैडम सर को, यही है सारे फसाद का जड़। और अब यही हमको बताएगी किसने मैडम सर को कहाँ रखा है। कहाँ है मैडम सर? तेरा दिमाग खराब हो गया करिश्मा सिंह, गुस्से से ना तू पागल हो गई है। अरे थोड़ा तो अकल से काम ले, एक ऐसे चो को गायब करके पूरी पुलिस डिपार्टमेंट से दुश्मनी मोल लूंगी, क्यों करूंगी मैं ऐसा? अपने आप को और अपनी चिंगारी गैंग को बचाने के लिए करोगी तुम ऐसा? जो मर्डर तुम्हारी चिंगारी गैंग ने किया है ना, उसका सबूत ब्रिजेश हमें देने वाला था, जो सिर्फ तुम्हें पता था कि हम और मैडम सर उस फैक्ट्री में जा रहे थे। अगर वो सबूत मैडम सर के हाथ लग जाता तो तुम्हारा पूरा चिंगारी गैंग ऐसे चुटकियों में ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता, इसलिए तुमने वो सबूत मिटाया और मैडम सर को भी गायब किया। अरे तू समझती क्यों नहीं अकल की दुश्मन, ऐसा कोई सबूत नहीं देने वाला था वो आदमी चिंगारी गैंग के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई मर्डर ही नहीं हुआ है। ये तो बस उसकी एक चाल थी कि तेरे को और हसीना मलिक को वहां पर बुलाएगा और हसीना मलिक को गायब कर देगा। देख अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मुझे यहाँ से जाने दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। और बात अगर हद से ज्यादा बिगड़ गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। और मैं तेरे से वादा करती हूँ करिश्मा सिंह कि 24 घंटे के अंदर चाहे मुझे जमीन खोदनी पड़े या आसमान चीरना पड़े, मैं हसीना मलिक को तेरे सामने लाकर खड़ा करूंगी। शिवानी की जबान वही तो खुलवानी है हमको, और हम खुलवा कर रहेंगे। मैडम सर का पता तुमसे जानकर रहेंगे। प्रॉब्लम हमारी फिटिंग का है, हमारा वायरिंग ही खराब है, हमको ये बड़ा बड़ा जज्बाती बात समझ में आज तक आया ही नहीं। शायद इसलिए हमारी मैडम सर से कभी पटी नहीं है। हमको ना सीधा सीधा बात समझ में आता है, जो सीधा सीधा दिखाई देता है, जो अभी दिखाई दे रहा है कि तुम ही हो जो जानती हो कि मैडम सर कहाँ है। इसलिए शराफत से बता दो शिवानी कि मैडम सर कहाँ है, वरना वो हाल करेंगे मैया कसम कि जब भी मुंह खोलोगी एक ही बात बोलोगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसे ना देखा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। करिश्मा सिंह मेरी बात सुन, देख हसीना मलिक को हम दोनों को ही बचाना है। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे जानती है करिश्मा सिंह आपने क्या किया? हाँ? अरे आपने बिना किसी कानूनी आधार, बिना एफआईआर के आपने शिवानी ताई को गिरफ्तार कर लिया। हम सब जानते हैं, आपने जानती है आपने कितना खतरनाक काम किया, क्या हो सकता है शहर में। माफ कीजिएगा सर, पर हम वही कर रहे हैं जो हमें इस वक्त करना चाहिए। जहाँ से मैडम सर गायब हुई है उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ शिवानी को पता था, और ये पूरा शहर जानता है कि मैडम सर और शिवानी का कितना बड़ा दुश्मनी है। मैडम सर चिंगारी गैंग के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है, और शिवानी को वो कांटा हटाना था और उसने वही किया, उसने मैडम सर को छुपाया है। सर हम पता लगा करेंगे कि मैडम सर कहाँ है। हम सब जानते हैं। अरे करिश्मा सिंह क्या कर रही है आप जानती है? अरे हसीना मलिक की चिंता हमें भी है, हसीना मलिक की तलाश व्यापक तौर पर की जा रही है। अरे हम पुलिस वाले हैं, हम इस तरह से भावनाओं में बहकर काम करने लगे ना तो चल चुका सुरक्षा तंत्र। आप जानती है करिश्मा सिंह हो क्या रहा है आपके शहर में? चिंगारी गैंग के समर्थक हथियारों से लैस होकर पूरे शहर में तबाही बचाने की तैयारी कर रहे हैं, आपके थाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपने शिवानी ताई को छोड़ा नहीं ना तो पूरा शहर बर्बाद हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं अकल से काम लीजिए और शिवानी ताई को छोड़ दीजिए, हम सब जानते हैं। माफ कीजिएगा सर, आपके आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके लिए आप हमें जो सजा देंगे हमें स्वीकार है, लेकिन इस वक्त हमारी वर्दी ये थाना हमारे हाथ से चला जाएगा हमें बिल्कुल परवाह नहीं। शिवानी को हमें बताना ही होगा कि मैडम सर जहाँ कहीं भी है एकदम सुरक्षित है, जब तक वो नहीं बताएगी वो नहीं जाएगी। जय हिंद सर। क्या हुआ? अपने अपने हथियार संभालो, शिवानी के समर्थकों की हथियारबंद भीड़ियां आ रही है शिवानी को लेने, और हमें उन्हें रोकना होगा और ये बात साबित करना होगा कि हमारे वर्दी का स्वाभिमान किसी भी भीड़ के अंधे उन्माद से बहुत बड़ा है।
प्राण जाए तो जाए, लेकिन वर्दी का शान ना जाए। ये जंग है और ये जंग हम सबको जीतना होगा। हमें अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी। लड़ाई किसी महिला थाने और संगठन के बीच नहीं है। ये लड़ाई है ताकत के अंधाभिमान और हमारी वर्दी के स्वाभिमान के बीच। ये खाकी समाज को सुरक्षा देती है, अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाती है, अपराधियों और एक आम नागरिक के बीच सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रहती है। बावजूद इसके कुछ जाहिल सरफिरे लोग इस वर्दी को कुछ नहीं समझते, कोई मान कोई सम्मान नहीं करते इसका, और फिर इसी अहंकार में चूर होकर किसी वर्दी वाले पर बीच चौराहे हाथ उठाया जाता है और मैडम सर जैसे अफसर का अपहरण किया जाता है। ये फिर ना दोहराया जाए और फिर कोई अहंकारी इस वर्दी को हल्के में लेने की जुर्रत ना करे। इसके लिए आज ये लड़ाई हमें जीतनी है और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे इस वर्दी के गौरव के लिए, वर्दी के आत्मसम्मान के लिए और इस वर्दी के अस्तित्व के लिए, फिर चाहे आज हमें अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े।
इतनी बुजुर्ग हो, एक्सपीरियंस्ड हो, कुछ तो दिमाग से काम लो तुम। तुम सब के सब गलत दिशा में जा रहे हो। क्या है ना, हम मैडम सर को हमारी बच्ची से बढ़कर मानते हैं, और बात जब बच्चों की सलामती की आती है तो किसी भी माँ से संयम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए बकवास नहीं और भाषण तो बिल्कुल नहीं। बाहर ये जो तुम्हारे समर्थक आ रहे हैं ना, पहले उनसे निपट लेते, बाद में तुमसे भी निपट लेते। मैडम सबके हाथ में हथियार है। हाँ। हसीना उठ मेरी बच्ची, उठ बेटा, मेरी बेटी है तू, मेरा शेर, तू ऐसे कैसे हार सकती है? भूल गई क्या कहा था मैंने, ना डर अंधेरे से, ये तो बस पल भर का छलावा है। तुझे डर किसका, तेरे साथ तेरे हौसले का उजाला है। बढ़ चीर कर मुश्किलों का सीना, तू मेरा शेर है, मेरा जियाला है। आसानी से हार नहीं मान सकते, लड़ना होगा हमारे अपनों के लिए। उठो हसीना मलिक, उठो। देखो, आज तक चिंगारी संगठन ने कभी बिला वजह किसी को परेशान नहीं किया है। कानून के खिलाफ होकर भी कभी कोई कानून नहीं तोड़ा है, अपनी जिद और कानून की जद में रह के काम किया है। लेकिन आज ये
शिवानी को गिरफ्तार करके पुलिस ने अपनी हद तोड़ी है। अब चिंगारी संगठन को भी मजबूरन अपनी इज्जत तोड़नी होगी। हम पांच तक गिनते हैं, शिवानी को रिहा कर दीजिए, वरना उसके बाद यहाँ ऐसा सैलाब आ जाएगा जो तुम्हें और तुम्हारे इस पुलिस थाने को जड़ से उखाड़ कर अपने साथ उड़ा ले जाएगा। आग तो कम हो रही है और कागज लाना होगा। खाकी को हाथ लगाकर सबसे पहले हद तुम्हारे चिंगारी संगठन ने तोड़ी है, तो हमसे किस चीज का हद का उम्मीद कर रही हो तुम? मातम बनेगा तो दोनों जगह बनेगा, या थाना बंद होने का मातम और तुम्हारे तुम्हारे चिंगारी गैंग में तुम्हारी शिवानी का नाम रहने का मातम, समझी तुम? और अगर किसी ने भी बेजा हरकत किया ना तो मैया कसम बता दे 2 मिनट लगाएंगे इसका भेजा उड़ाने में। और इसको धमकी समझने का भूल मत करना, हमारा रिकॉर्ड देख लो, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, समझे? तीन, चार, पांच, नहीं चलाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा। ये चिंगारी संगठन की मुखिया तुम्हारी शिवानी ताई का आदेश है। हथियार नीचे कर दो सब। मैंने कहा हथियार नीचे। वापस चले जाओ और जब तक मैं नहीं कहूंगी तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं चीची, हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। जाना पड़ेगा बिन्नी, ये जो भी हम लोग कर रहे हैं ये वजह भी गलत है और ये तरीका भी। ये लोग यहाँ पर मुझे पूछताछ करने के लिए लेकर आए हैं, गिरफ्तार कर नहीं। और ये पुलिस का अधिकार है और इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं इनके साथ कोऑपरेट करूंगी। शिवानी, हसीना मलिक गायब है ताई, और उसे सही सलामत ढूंढ कर लाना मेरी जिम्मेदारी है। समय कम है ताई, लौट जा वापस। चलो। लेकिन ताई, कहा ना चलो।
अगर हसीना मलिक को कुछ हुआ ना तो मैं जिंदगी भर इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगी कि जब उसे जरूरत थी तब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। उसने मेरी जान बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। जाने दे मुझे करिश्मा सिंह, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं वादा करती हूँ तुझसे कि शाम तक हसीना मलिक तेरे सामने खड़ी होगी, भरोसा रख मुझ पर। शिवानी की जबान, जाने दे मुझे। ठीक है, जाने देते हैं तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, अगर हसीना मैडम को कुछ हुआ ना तो मैया कसम बता रहे हैं कहर मचा देंगे, खोद खोद के निकालेंगे और जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। हसीना मलिक को कुछ नहीं होगा, हम दोनों उसे कुछ नहीं होने देंगे, भरोसा रख। जीते, गोमती नगर की उस फैक्ट्री के आसपास जितने भी एक्टिव नंबर है ना, सबका कुंडली निकालो और पता करो उनका इस घटना से लेना देना है कि नहीं। जी मैडम। दूसरा जन्म मिला है, एक चल रहे बाबा। शिवानी बेटा आगे ठीक है ना सब? भाई जब करिश्मा सिंह का फोन आया था तो हसीना मलिक ये कह रही थी कि किसी ब्रिजेश नाम के आदमी ने उसको और करिश्मा सिंह को गोमती नगर के किसी एक बंद फैक्ट्री में बुलाया है और वो वहां पर चिंगारी संगठन के खिलाफ उनको किसी अक्षय नाम के आदमी के मर्डर के बारे में कुछ सबूत देने वाला है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हसीना मलिक और करिश्मा सिंह के अलावा ये बात सिर्फ मैं जानती थी तो फिर कोई तीसरा वहां पर कैसे पहुंचा? किसने उठाया हसीना मलिक को? ताई, जिस वक्त हम फोन पर हसीना मलिक की बातें सुन रहे थे उस वक्त इस कमरे में तेरे, बिन्नी और मेरे अलावा कौन कौन था? वो याद नहीं आ रहा। और कौन? अब वो सावित्री मेरे पैर दबा रही थी, अब वो रूपा और मनीषा थी। लेकिन हसीना मलिक के गायब होने के टाइम पे तो वो तीनों हमारे साथ थी, हम तीनों छप्पर बना रहे थे बाहर मिलके। एक मिनट, करुणा भी थी ना वहां पर, तू उसे कैसे भूल गई जिज्जी? हाँ याद आया, वो करुणा भी तो वो कुछ सफाई कर रही थी ना वहां पे। हाँ तो जीजी भी तो वहीं खड़ी थी उस टाइम पर अलमारी के पास में, और फोन भी स्पीकर पर था। इसका मतलब उसने सारी बातें साफ साफ सुनी है। कहाँ होगी ये करुणा? दवी चली गई थी तबीयत ठीक नहीं कह के, और लौटी नहीं फिर उसके बाद। एक मिनट, कहीं हसीना मलिक के गायब होने में करुणा का हाथ तो नहीं है? बिन्नी नंबर दे। चीते मैडम सर के फोन पे जितने भी कॉल आए हैं और गए हैं सबका लिस्ट निकालो जल्दी। जी मैडम। हेलो, एक नंबर भेज रही है तुझे। पता कर कि उस वक्त उस समय जहाँ पर ये गैस लीक का कांड हुआ था, जहाँ पर बातों वाली बाई को उठाया गया था, ये नंबर क्या एक्टिव था उस वक्त? जी चीते, हमने तुमसे कहा था ना मैडम सर जहाँ से गायब हुई है वहाँ पे जितने भी एक्टिव नंबर है सबका लिस्ट निकालना है। वो लिस्ट है, ये नंबर है, मैच करो कि इसमें वो नंबर है कि नहीं, फटाफट। ए बिल्ला, हाँ मैच कर।
हाँ हाँ वो नंबर मिल गया है जिसका इन्फॉर्मेशन तुमने निकालने के लिए कहा था। वो एक एक, एक, एक मिनट, किसका नंबर है? करुणा, मेरी गैंग की एक मेंबर है। जिस वक्त मैं हसीना मलिक की बातें सुन रही थी फोन पर, उस वक्त वो भी कमरे में थी। हो ना हो, करुणा का इस मामले में 100% हाथ है। एड्रेस भेज रही हूँ, आगे क्या करना है ये बताने की तुझे जरूरत नहीं है। अभी देर मत कर, अगर देर होगी तो करुणा हाथ से निकल जाएगी, और ये लीड एक बार हाथ से निकल गई ना तो उसे पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। हाँ यही है उस करुणा का घर। एक सांस में बता हसीना मलिक कहां पर है, वरना तेरी दूसरी सांस अभी के अभी रोक दूंगी। बता। मगर ताई मैंने कुछ नहीं किया। ताई पता कहां पर है हसीना मलिक? ताई चाहे तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे मगर मैं नहीं बताऊंगी वो कहां है, क्योंकि जो मैंने किया वो बिल्कुल सही किया। तुम्हारे पीछे पड़ी रहती थी, वो इसी लायक थी। वो खत्म तो सारे झंझट खत्म। कहां पर है वो बता। मैं नहीं बताऊंगी। ऐसे कैसे नहीं बताएंगे? बताती है नहीं? बताती है कि नहीं? बताती हूँ दीदी, बताती हूँ। मैंने उसे बेहोश करके कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया है। कोल्ड स्टोरेज? पता पता जल्दी से। गोमती नगर के साई फार्मा वेयर हाउस में बंद है, पर अब कोई फायदा नहीं। अब तक तो वो ठंड से जम के मर गई होगी। करिश्मा सिंह सुन, तुरंत गोमती नगर के साई फार्मा वाले बंद वेयरहाउस में पहुंचना। हसीना मलिक वहां के कोल्ड स्टोरेज में बंद है, उसके पास समय बहुत कम है, वहां का टेम्परेचर माइनस में है। जल्दी भाग करिश्मा सिंह, अपनी मैडम से को बचा ले, इसको लेकर चलो। चल इधर फ्रीजर है, मैंने उसमें डाला है। करिश्मा सिंह, हसीना मलिक अंदर है। देख क्या रहे हो, इसे उठाओ। आग चलाओ जल्दी। अपने हाथ आग से गर्म करके हसीना मलिक को गरमाट दो, जल्दी। हसीना मलिक की सांसें नहीं चल रही है। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर उठिए, मैडम सर प्लीज उठिए, मैडम सर, मैडम सर आपको उठना होगा, मैडम सर प्लीज उठिए, मैडम सर उठिए ना।
मैडम सर आप उठिए ना। उठिए, आप हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, हमारा हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। मैडम सर उठिए, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, आप उठिए, उठ जाइए, नहीं तो हम बता रहे हैं कुछ गुस्ताखी कर लेंगे। अगर आप नहीं उठेंगे तो हम भी नहीं जिएंगे, हम भी दम तोड़ देंगे, आपके साथ आगे जाती है क्या? मैडम सर उठिए ना, मैडम सर मैडम सर आप सही है, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ आपको, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है। पानी 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 लाओ, पानी लाओ, जल्दी लाओ, छींटे जल्दी लाओ, पानी ला रहे, पानी ला रहे, पानी ला रहे, सब है मैडम, पानी पी, पानी पी, हमने पकड़ा पकड़ा, आराम से आराम से आराम से आराम से है, हम सब है आपके पास, हम सब है। ये आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़े। चलिए मैडम से पूछो, कहो कहो कहो, हॉस्पिटल लेके जाओ उनको, जल्दी जाओ, आप नहीं आएंगे, आप हम आते हैं, हमें कुछ काम है, हमारे अरे क्या कह रही हैं आप, कुछ काम है, कुछ सुलटाना है हमें, वो सुलटा कर आइए, आप लेके जाइए मैडम, कुछ मत पकड़िए, सब ठीक हो जाएगा मैडम सर। करिश्मा सिंह, तुझसे पहले ये चिंगारी संगठन के गुनहगार है, इसका शिवानी की अदालत में फैसला होगा और फिर उसके बाद तुझे जो करना है इसके साथ तू कर सकती है। अगर करुणा मैडम सर के हाथ लग गई तो उन्हें हमारे और शिवानी के बारे में पता चल जाएगा। ले जाओ इसे, तुमने मैडम सर का जान बचाया इसलिए तुम्हारे लिए हम इतना तो कर ही सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैडम सर इस तक पहुंचने की जरूर कोशिश करेगी। तू बेफिक्र रह, मेरे होते हुए हसीना मलिक इस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। इतना हल्के में मत लो, मैडम सर है वो, हसीना मलिक है वो यहाँ आके तुम्हारे आंखों के सामने से घसीटते हुए लेके जाएगी इसको, पूरी रंगरेज कली देखते रह जाएगी। मैं भी नहीं चाहती कि ऐसी नौबत आए। बिन्नी हमारे सीक्रेट गोडाउन में ले जा और वहां पर इसको लॉक कर दे, और इसकी चाबी मुझे ला कर देना, और इसे तब तक नहीं खोलना जब तक मैं ना कहूँ। हसीना मलिक इस तक तब तक नहीं पहुंच पाएगी जब तक मैं नहीं चाहती। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना मैडम से, मतलब कुछ घबराने वाला बात तो नहीं है ना? बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हसीना मलिक जी पूरी तरह से रिकवर कर चुकी है, प्रिकॉशंस के लिए मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, कल तक घर जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हमको समझ में आएगा तो हम तुमको कॉल करेंगे, तुम बार बार हमको कॉल मत करो, समझ रहे हो हमारी बात को, तुम्हारे चक्कर में हमको नहीं लपना है, समझी? बताओ काहे कॉल किया है? बातों वाली बाई का हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। अब कैसी है वो? बहुत अच्छी है, चौकस है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। और सुनो तुम एक बात ध्यान रखना, वो जो करुणा है ना उसको हम सजा देंगे अपने हाथों से, उसका कोई भी सुनवाई कोई भी फैसला हमारे सामने होगा, हमारे बिना नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा, शिवानी अपनी बातों से कभी नहीं पलटती, रखती हूँ। पुष्पा जी, पुष्पा जी बिल्ला कहाँ है, बिल्ला कहाँ है, अंदर देखे उसको, बाहर देखे, कहीं मिल ही नहीं रहा है हमको, बताइए, हमको तो डर लग रहा है म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी तो नहीं टांग ले गया उसको। चुप।
तुम लोग मुझे बाहर ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। इधर आके बोल, आओ इधर आ। एक कौन जानवर बने हो? ये बाबरी, माफ करना सर। सर मैडम, सर मैडम, सर जय हिंद मैडम, सर जय जय हिंद मैडम, सर जय। सबकी क्या जरूरत थी पुष्पा जी? शुक्रिया। कैसी हैं आप मैडम? हम बिल्कुल ठीक है। बिल्ली ये हम एक मिनट मैडम सर, यहीं रुकिए। दूसरी बार मौत को हरा कर आई हैं आप, नजर तो उतारनी पड़ेगी ना। ईश्वर आपको हमेशा हर मुसीबत से बचाए रखे, और अगर कभी मुसीबत आती भी है ना, तो ऐसे ही डट कर उसका सामना करने के लिए आपको हमेशा शक्ति दे। थैंक यू। आप ये हाँ, तो कैसे हैं आप करिश्मा सिंह? सब ठीक? हम बहुत अच्छे हैं मैडम सर। गुड। और आपके लल्ला कैसे हैं? वो भी एकदम चौकस है, सही है। इनके लल्ला? माँ के लल्ला? हाँ हाँ हाँ, पुष्पा जी के लल्ला। आपके डार्लिंग कैसे हैं? वो भी एकदम बढ़िया, एकदम चौकस है मैडम सर। और शिवानी कैसे? वो भी एकदम ठीक है मैडम सर, बस अभी अभी उससे मिल। टीवी पे उसको देख रहे थे अभी, उसी का न्यूज चल रहा था, वहां से मिलकर सीधा आपसे अभी अभी आप आ गए। ठीक है, वो भी ठीक लग रही थी। बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल करिश्मा सिंह, चलिए अब जरा इस बारे में ऑनेस्टली बात करते हैं। क्या आप चिंगारी गैंग से मिली हुई हैं? क्या आप इस थाने की सारी खबरें वहां तक पहुंचाती हैं? मैडम सर, आप खामखा हम पे शक कर रही हैं, आपको हम पे भरोसा नहीं है का? बात भरोसे की नहीं है करिश्मा सिंह, बात आइडियोलॉजी की है, और आपकी और शिवानी की आइडियोलॉजी तो एक दूसरे से बिल्कुल मैच करती है। आप दोनों को ही एकदम इंस्टेंट इंसाफ देना बहुत पसंद है ना, एकदम तुरंत वाला। फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता भले ही कितना वायलेंट, नाजायज और गैर कानूनी क्यों ना, हमें तो लगता है कि शिवानी को बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगा होगा आपको अपनी तरफ खींचने। बहुत आसानी से मान गए होंगे आप, और अब तो आप डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। इनफैक्ट पिछले कई दिनों में ऐसी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके बाद हम ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं करिश्मा सिंह, कि आप हमारे साथ रहते हुए भी शिवानी की तरफ है। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम सर, हम उसका साथ काहे देंगे, हम मापी की तरफ ही है। तो फिर हम ब्रजेश से मिलने वाले हैं उस सीक्रेट लोकेशन पर, ये बात सिर्फ और सिर्फ आप और हम जानते थे करिश्मा सिंह, तो फिर चिंगारी गैंग तक ये बात पहुंची कैसे? हमें कैसे पता? हमें कैसे पता होगा कि उसको ये बात कैसे पता चला? उसका भी अपना नेटवर्क होगा, उसके अपने तरीके होंगे सच पता लगाने के, और हो सकता है उसने हमारे पीछे कुछ लोग लगा रखे हो, कुछ भी हो सकता ना मैडम सर। आप हम आपकी तरफ ही हैं, हम उसकी तरफ नहीं है, आप हम पे शक मत कीजिए मैडम सर। अच्छा ठीक है, फिर अब आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होगी। चिंगारी गैंग के जिस मेंबर ने हमें किडनैप करके फ्रीजर रूम में लॉक किया था, उसे आप हमारे सामने लाकर खड़ा कर दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए, और हम मान लेंगे कि आप सच कह रही हैं। हम मान लेंगे कि आप वही पुरानी करिश्मा सिंह हैं जो अपनी ड्यूटी और वफादारी के खिलाफ कभी नहीं जा सकती, कि आप हमारे साथ हैं। अरुणा को अपने हाथों से फोड़ना चाहते हैं, पर कैसे फोड़े? मैडम सर ने करिश्मा के भौकाल का ये हाल किया हुआ है, हाथ तो आता है मुंह नहीं लगता। शिवानी को धोखा देना होगा, शिवानी को धोखा देना होगा। ए भाई!
सुधा सुधा हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम अस्पताल लेके जाएंगे, हम कुछ करते हैं। भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोको, भाई गाड़ी रोक दिया। रोकना नहीं है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऑडिशन का प्रैक्टिस। निकलो निकलो तुम, रोको भाई रोको। अबे बिल्ला पगला हो गया, बोले तो एकदम झकास। सुधा सुधा आई हेट डियर सुधा, ऐसे मायूस न हो ना सुधा। जैसे हर एक ताले की चाबी होती है, वैसे ही हर एक मुश्किल का हल होता है रे सुधा। सुधा ने शुद्धि कर दी। बहुत बढ़िया बिल्ले, जैसे कचरा में से मोती निकलता है ना। अच्छा ये कचरा हमें मोती, ऐसे तुम्हारे इस बकवास ने ना हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब हमें तुम्हारा मदद लगेगा और तुम दोनों का भी मदद लगेगा। हम दोनों का एवर रेडी, जब बोली बताइए किससे और कहां मार खाना है। बनके तुम्हें हमारे साथ चलना होगा और ये सब चिंगारी गैंग के साथ करना है। ये क्या करने कर रही मैडम, इससे भरी जवानी में शहीद हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम नहीं कर सकते। अब यही बात सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी क्या, जब तक अपनी मनमानी करवाती रहती है। भाई तू जान देगा ना, मैडम का हुक्म ऊपर वाले का फरमान है, मौला का। जान देगा ना, देगा तू जानना, देनी पड़ेगी, नहीं तो अपने आप हमारी जान ले लेगी। माँ कसम कहता मैडम, माँ का बाप का दादा का सबका कसम खा कहता, आप हाँ बोलेगा मैं हाँ बोलेगा, आप ना बोलेगा मैं ना बोलेगा, जैसा आप बोलेगा वैसे ही होगा। आई हैव नो ऑप्शन। सब ठीक है ना, तैयार है ना सब? हाँ हाँ। गेटअप बीटअप? यस। तुम्हारा शक्ल दिखा। कहीं बिल्ले ने हमें पहचान लिया कि हम ही बदनाम की बीवी डिंपल बनकर उसे लूटते हैं, बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मैं दिखाऊंगा। अरे ये जब भी लड़की बनते है शक्ल नहीं दिखाता। क्योंकि मुझे तेरे करेक्टर भरोसा नहीं है। भरोसा? चिंगारी गैंग आ गई है। अच्छा चलो शुरू हो जाओ। क्या हुआ दीदी? हमको आए हुए गांव से तीन चार दिन हुए, ये सब दरिंदा हमारे पीछे पड़ गया, हमारा इज्जत लूटना चाहते हैं। हम दरिंदे नहीं है, परिंदे हैं। आज इसके साथ गुजरगु गुजरगु गुजरगु। ए परिंदे तेरे पर काटने पड़ेंगे रे। यही सही मौका है, जल्दी से चाबी का छाप ले लेता हूँ। चले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, नहीं सब हमारे साथ क्या करता। ठीक है ठीक है। अरे हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सुन तुम ना रंगरेज गलिया आत्मरक्षा से और अपनी हिफाजत खुद ही कर, समझे? चलो ताई चल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाय दीदी। काम हो गया? हाँ, ये शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा है? अरे चाबी से मतलब रखना। हाँ देख ले कहाँ चाबी का छाप है। ये रही यार चाबी का छाप भी उल्टा, खुद भी उल्टा। वाओ चाबी का छाप मिल गया। ये छाप वाला साबुन करिश्मा मैडम को तुरंत देना पड़ेगा ताकि वो डुप्लीकेट चाबी बना सके। अरे वाह बढ़िया, गोलगप्पे चल रहे हैं। नहीं यहाँ के गोलगप्पों का स्वाद ही कुछ ऐसा कि रहा नहीं जाता है। हाँ बनवा लीजिए, हमें भी दीजिए थोड़ा। और सब चौकस? नहीं मतलब यहाँ गोलगप्पे पहले जा रहे हैं, वहाँ पे
करूँ ना मैडम सर के हाथ तो नहीं लग जाएगी? हाथ लग जाएगी तो बना बनाया प्लान जो है वो छुआरा हो जाएगा हमारा, बस ऐसी पूछ रहे हैं। अरे ऐसी जगह छुपाया छुपाया है करुणा को तुम्हारी मैडम सर सपने भी नहीं सोच सकती। और अगर शहर का पूरा कोना कोना छान मारे ना तो भी करुणा की हवा भी नहीं लगेगी उसे। अच्छा ऐसा कौन सा जगह पैदा हो गया भाई लखनऊ में, हाँ कौन सी जगह छुपा दी उनको? हाँ शहर में होगी तो मिलेगी ना, शहर के बाहर एक गांव है झांसीपुर विलेज, उस बस्ती के पीछे एक कोठी है बसंत कुंज, बस वहीं पर छुपा कर रखा है उसे। वहां पर ना अगर तुम्हारी हसीना मलिक के फरिश्ते भी आ जाएंगे ना वो भी ना ढूंढ पाएंगे। अच्छा है लेकिन फिर भी वो मैडम सर है, पहुंच गई तो वो तो कहीं से भी पहुंच जाती है, उनको पता लग जाता है, मतलब सब अच्छे से देख लिया ना, नहीं पहुंचेंगी ना उन तक। हाँ इसमें हंसने वाला कौन सा बात है? हंसने वाली बात होगी तो हंसी तो आएगी ना थानेदार नी, अरे हमारी इजाजत के बगैर वहाँ हवा का झोंका तक अंदर नहीं जा सकता। वहाँ का जो मेन दरवाजा है ना वहाँ पे 24 घंटे चिंगारी गैंग की औरतें तैनात रहती हैं, हथियार बंद औरतें जो सिर्फ और सिर्फ दीवानी जिज्जी की आवाज पर दरवाजा खोलती हैं। और किसी तरह घुस भी गए ना तो आगे का कॉरिडोर कैसे पास कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो हजारों वोल्ट का पूरा करंट फैला हुआ है। जिसने भी कदम रखा वो सीधा ऊपर चला जाएगा। और जो दूसरा दरवाजा है ना जहाँ पर करुणा को रखा गया है वहाँ पर चिंगारी गैंग की दो सबसे खतरनाक औरतें पल्ली और जुगनी उनको रखा गया है। एक मुक्के में ना जंगली घोड़े की खोपड़ी तोड़ देती हैं वो, तो इंसान की चीजें उनके सामने। मुख्तसर में कहें तो बसंत कुंज हमारा सबसे महफूज और अभेद किला है, उसमें से किसी को भी निकालना नामुमकिन है। तसल्ली हो गया ये सुन के हमको सच में। भैया इस बात पे एक और लगा दो। इनको दो।